गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी। आपण मैंने जानते जे ओएस प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन रो 2015, 2016 एवं 2017 रो सॉल्व क्वेश्चन विथ डिटेल्ड एनालिसिस लॉन्च हो सारी मोर यूट्यूब चैनल रे। सेटा वीडियो ऑलरेडी लॉन्च हो सारी, आपण मन जाई सर्च कर देखिपारे। वर्तमान यही वीडियो रे मु आनी ओएस 2018 प्रीलिम रो किछि क्वेश्चन विथ डिटेल एनालिसिस। ओके, देन स्टार्ट करिबा। देखो एटा होछि 2018 रो क्वेश्चन, देखि पर तुए लिखा 2018 रो क्वेश्चन। देन देखिबा कम फर्स्ट क्वेश्चन कोन थिला। फर्स्ट क्वेश्चन थिला यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व ऑन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व ऑन आर आंसर हम 15 जुलाई। ओके, आर आंसर हम 15 जुलाई। आ तर थीम कौन थी? आर थीम थी स्किल चेंजेस लाइफ। आर थीम थी स्किल चेंजेस लाइफ। ओके, देखु आप जी 2015 रो 2016 रो 2017 रो क्वेश्चन पेपर देखिए कि मोर जो सॉल्व क्वेश्चन वीडियो आ देखिथे देखिथे जे यूनाइटेड नेशन रो डे निश्चय पड़ू गोटे ना गोटे सियोर पड़ू। तो आपण मानक मुझे रखुच्ची आप यूनाइटेड नेशन रो साइट को जातु। देखिए यहाँ हूँ यूनाइटेड नेशन रो साइट। यूनाइटेड नेशन रो साइट को जातु, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल डे एंड वीक्स जातु। देखिए बहुत किसी बहुत गुड़ा डे अच्छे, जनवरी एमती डे कत गुड़ा अच्छी, फेब्रुआरी डे गुड़ा कत गुड़ा अच्छी। देखिपारे ये सब जगह डे गुड़ाक आप जमी भी मन रखुद कौन पे ना ओएस एग्जाम आज भविष्य देवाक चाहते ए डे गुड़ा ही आसब ही आसब। ओके, आपको कही रख दूँ जी ए डे गुड़ा ही जमीती भी आसब। ओके, तो आपण मैंने जमीती भी ए डे गुड़ाक मन रखिक जातु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हेज लॉन्च ए स्मार्टफोन आप्लिकेसन आई हरियाली। आई हरियाली कोक स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर आंसर हम पंजाब। स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट स्कीम हो कि सेंट्रल स्कीम हो, ये भितर क्वेश्चन आसूँ। आप एग्जाम जावा पूर्व सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम टी रिचेक कर मैंने ओवरऑल रखी बोल जातु। ओके, देन नंबर थ्री क्वेश्चन हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र केतटा साइट अच्छी, यदि महाराष्ट्र केतटा साइट आम देखा चेक करेंगे, महाराष्ट्र साइट अच्छी पांचटा। महाराष्ट्र केतटा साइट अच्छी, महाराष्ट्र ऑलरेडी 5 साइट अच्छे। ओके, पांचटा कौन कौन अच्छी ना, अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स एंड विक्टोरिया गोथ्री हाटडिको। ओडिशार केतटा साइट अच्छी, ओडिशार ओनली 1 साइट अच्छी, दैट इज कोणार्क सन टेम्पल। ओके, देखिपारे जी आम देखा जावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को रो ऑफिशियल वेबसाइट को जी देखिपर। देखो तो इंडिया रे केतटा साइट अच्छी, इंडिया रे आमर केतटा साइट अच्छी देखिपर। देखो तो इंडिया रे आमर टोटल साइट अच्छी 38 टा, देखिपारे इंडिया रे टोटल साइट हूँ 38 टा। देखिपारे आर मैप भी अच्छी, आर मैप भी अच्छी कौटी कौ साइट अच्छी। देखो ये आम ओडिशा, ये ओडिशा गोटे साइट अच्छी, सेमती टोटाल केतटा साइट अच्छी आप देखिपारे कौन कौन साइट अच्छी। देखो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को आम तीन प्रकार डिवाइड करा जाए, गोटे हूँ कल्चरल, आ गोटे हूँ नेचुरल, आ गोटे हूँ मिक्सड। ओके, ये तीन साइड तीन प्रकार कर कल्चरल रे आम 30 साइट अच्छी। 30 कौन कौन, आग्रा फोर्ट, अजंता केव, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविद्यालय, देखिपारे सब जगह कौन कल्चरल साइट अच्छी देखिपारे। आमर कोणार्क सन टेम्पल देखिपारे, कोणार्क सन टेम्पल भी कल्चरल साइट रे अच्छे। ओके, सेमती नेचुरल साइट रे 7 ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये सब 7 अच्छे नेशनल साइट। मिक्स साइट अच्छी कांचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, आप जानते टोटल अच्छी 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, जब आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हु हेज बीन ऑनर विथ द श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा अवार्ड। जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा अवार्ड किए ऑनर है ना, आंसर इज अनिता अनिंदिता आनम, अनिंदिता आनम।
Okay. The next question is, which Indian American personality have become the first South Asian to be elected Oregon Western USA? Answer कौन होगा? ना सुशीला जयपाल. सुशीला जयपाल आंसर. ओके नेक्स्ट, सी वी राजेंद्रन हु डाइड रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद. सी वी राजेंद्रन कौन थे? ना फिल्म इंडस्ट्री सहित एसोसिएटेड थे. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काजुओ इशुगुरो कौन थे एसोसिएटेड? ना काजुओ इशुगुरो को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता. काजुओ इशुगुरो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलते तंगर को बुक पे ना तंगर बुक रो ना होची नेवर लेट मी गो. इटा नोट कर कि दियंतु तंगर बुक रो ना होची नेवर लेट मी गो. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन. चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन. चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोड अछि ना आसाम रो अछि. चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम रो अछि. जदि हम कहबे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर गोल्डन लंगूर. फेमस फॉर गोल्डन लंगूर. आ कतरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि नेशनल पार्क विषय जानबे देखंतु कॉर्बेट नेशनल पार्क सब ओल्डेस्ट नेशनल पार्क. कॉर्बेट नेशनल पार्क हो सब ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जोड़ी कि उत्तराखंड अच्छी. ओके रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान. बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक. केवलादेह घाना भारतपुर राजस्थान. नागरहोल कर्नाटक. सरिस्का राजस्थान. काजीरंगा आसाम. भद्रा सब जगह देखते टोटाल लिस्ट दे दीजिए आप नोट कर रखी दिखाँ कि स्क्रीनशॉट बाहर कर दिखाँ यू. ओके मुझे साइज रखी दूसरी आप स्क्रीनशॉट बाहर कर दिखाँ. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री हैज रीनेम्ड पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी एज द नॉर्थ नाटुना सी. रीनेम्ड साउथ चाइना सी एज द नॉर्थ नाटुना सी. आंसर इज इंडोनेशिया. इंडोनेशिया इज ए आर्किपेलागो कंट्री मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड मिसिकी इंडोनेशिया तैयारी. इंडोनेशिया टोटल आइलैंड आम कहपर 272 आइलैंड अच्छे. ओके इंडोनेशिया कैपिटल कौन? जकार्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे ना, व्हिच वन बिलो इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी. व्हिच वन बिलो इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी. जब हम कह स्टैट्यूटरी बॉडी कौन? स्टैट्यूटरी बॉडी देखो हम स्टैट्यूटरी बॉडी जी कह नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जहाँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था. स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स फॉर्म ओनली बाय गवर्नमेंट एक्शन बट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिपारे ना फॉर्म ओनली बाय गवर्नमेंट एक्शन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो बॉडी आम कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नहीं ताको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कह नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह. एग्जांपल कौन हम? नीति आयोग सीबीसी सीबीआई. अगर से देखते सर कौन देती ना आंसर कौन हम? नीति आयोग. नीति आयोग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी बा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ताले हम देखिए फाइनेंस एंड कमीशन. फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कते? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल हो 280. ईपीएससी आर्टिकल कते? 315. यदि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल देखिए 324. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो? द व्हिच इज पर्सनालिटी हैव बीन अपॉइंटेड द पब्लिक पॉलिसी फेलो एट यूड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स. यूड्रो विल्सन इंटरनेशनल स्कॉलर के पब्लिक पॉलिसी फेलो एट होती ना निरुपमा राव. निरुपमा राव जदि आम कह निरुपमा राव के ना फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी. निरुपमा राव थे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी. आ यूड्रो विल्सन के यूड्रो विल्सन हो 28th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑवर. देख कहली डे गोटे दीटा पढ़ुची फास्ट क्वेश्चन देखी अपना डे विषय पढ़ुला बर्तमान पढ़ला सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन. डे मीन्स डे बहुत इंपोर्टेंट अपने जमीती भी डे जमी मान पूरा घुसिक जातु कि मन रखी जातु कितु डे गोटे दीटा आसवा बाध्य. जब आम कह वर्ल्ड मिल्क डे तेज़े फास्ट जोन पढ़ु वर्ल्ड मिल्क डे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल हेडक्वार्टर कौन? आंसर भी सिंपल न्यूयॉर्क हम. ओके जब कहना रोम और पेरिस कौन कौन हेडक्वार्टर अच्छे देखीदे.
ଯଦି ଆମକୁ କହିବା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ନା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ ୟୁଏନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ ୟୁନିସେଫ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ୟୁଏନ୍ ଏଫପି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ ପପୁଲେସନ ଫଣ୍ଡର ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ର ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି, ତାର ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁୟର୍କ। ତାହେଲେ ଭିଏନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି? ଭିଏନାରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି, ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଓପେକ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଭିଏନା। ଓକେ, ପ୍ୟାରିସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁନେସ୍କୋର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ପ୍ୟାରିସରେ। ଆଉ OECD ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ କର୍ପୋରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବି ପ୍ୟାରିସରେ। ରୋମରେ କାହା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି? ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରୋମରେ ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ହୁଇଚ୍ ଭେନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ। 2024 ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି? ନା ପ୍ୟାରିସ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ କେବେ ଖେଳା ହେଇଥିଲା? 1896 କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା ଆଥେନ୍ସରେ, ଗ୍ରୀସର ଆଥେନ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2020ରେ ଟୋକିଓର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଯାଇଛି 2021କୁ। କିନ୍ତୁ 2021 ବି ସେଇଠି ହେବ କି ନାହିଁ କିଛି କନଫର୍ମ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2024 ଅଛି ପ୍ୟାରିସରେ ହେବ, ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବ 2024ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ କମିଶନ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ପ୍ରିପେୟାର ଦ ଫେମିନ ଫେମିନ କୋର୍ଟ। ଫେମିନ କୋର୍ଟ କେଉଁ କମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥିଲା? ଫେମିନ କୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଷ୍ଟାଚି କମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ, ଷ୍ଟାଚି କମିଶନ ଅଣ୍ଡର। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ୱେଲବେ କମିଶନ, ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ୱେଲବେ କମିଶନ ଆସିଥିଲା 1895, ତାର ଅଫିସିଆଲ ନେମ୍ ଥିଲା, ଅଫିସିଆଲ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଆସିଥିଲା 1895ରେ, ତାର ଅଫିସିଆଲ ନେମ୍ ଥିଲା ରୟାଲ କମିଶନ ଅଫ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏକ୍ସେସିଭ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଏକ୍ସେସିଭ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସେସିଭ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରି ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟ୍ ଅନ୍ ରୟାଲ କମିଶନ ବା ଯେଉଁ ୱେଲବେ କମିଶନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାବେ ସେ ସିଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ହଣ୍ଟର କମିଶନ କ'ଣ ନା, ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା 1882ରେ, କମି ଆସିଥିଲା ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏଜୁକେସନ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ସେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପାର୍ଟିସ୍ ମୁସଲିମ କନଫରେନ୍ସ ହେଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ 31 December 1928, ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଓଭର ବାଇ ମହମ୍ମଦ ସାଫି। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରାଜପୁତ ପିରିୟଡ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବିନୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ, ବିନୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଜରୀ, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଜରୀ। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଜରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କ'ଣ ଥିଲା, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଜରୀ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଜାଗିର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖିପାରୁଛ ତାର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଜାଗିର, ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଜାଗିର, ଦେନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ, ହଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ବି ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର କରିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି କରିବ। ଓକେ, ତାର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଥିଲା, ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଷ୍ଟେଟ୍ କେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣ ବର୍ମା ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣ ବର୍ମା କିଏ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣ ବର୍ମା ଥିଲେ କଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବି ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଛି 1989ରେ। ଓକେ,
श्यामजी कृष्ण वर्मा जन फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर थे कच्छ यूनिवर्सिटी ना रिप्लेस मैंने रिनेमड होती प्लस पोस्टल स्टाम्प भी पब्लीश होती ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हुज ऑफ द इट सेशन कांग्रेस डिक्लेयर द पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट ऑफ द फर्स्ट टाइम कौ सेसन ना नागपुर सेसन नागपुर सेसन नागपुर सेसन के ना 1920 कोलकाता सेसन जानते कोलकाता सेसन बहुत थर 1896 1901 1917 1928 गया सेसन 1922 लखनऊ सेसन 1899 ओके द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट हुज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट आंसर इज कर्जन लॉर्ड कर्जन Answer is Lord Curzon. Then, who among the following continuously emphasized on giving self-rule to India on 1904, 1905 and 1906? Answer is Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak. Then, the editor of the paper Hindu Patriot, the Sri Harishchandra Mukherjee was known to have helped the which revolt? संथल रिवोल्ट ना इंडिगो रिवोल्ट आंसर हम इंडिगो रिवोल्ट इंडिगो रिवोल्ट कम होता ना इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल अगेंस्ट टिरानी ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स ओके इंडिगो प्लांटर्स मान ब्रिटिश मान बहुत अत्याचार करतेगेंस्ट इंडिगो रिवोल्ट होते तार संथल रिवोल्ट कम होता ना संथल रिवोल्ट संथल हूँ द ट्राइब ग्रुप्स ऑफ झारखंड संथल इज द ट्राइब ग्रुप्स ऑफ झारखंड ओके द फास्ट संथल रिवोल्ट हूँ फास्ट प्लेजेंट रिवर इन इंडिया के 1855-56 आ रिवोल्ट कैन एट्रिब्यूट द लैंड परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट 1793 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन हुई नेम एमंग्स द फॉलोइंग वाज ड्रॉप्ड बाय अबुल फजल लिस्टिंग म्यूजिशियन ऑफ द कार्बर अकबर कोर्ट आंसर हम टांसन आंसर हम टांसन ओके देन व्हिच ऑफ द फॉल व्हिच यूरोपियन नेशन वाज फास्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया प्रिंटिंग प्रेस इंडिया को फास्ट क्या आनला आंसर इज पोर्तुगाल ओके हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द दीवान ई अमर कोठी ना यहाँ अमर कोही हम अमर कोठी ना आंसर कह आंसर हम मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक आम जानते आड़बाय राजा भी कहते आड़बाय राजा भी कहते कहीं से बहुत एमती डिसीजन नहीं जो जहाँफल कि आड़बाय राजा भी कहते जी आम देखा दिल्ली सुल्तान समय बहुत गुड़ा डिपार्टमेंट थी गोटे हूँ दीवानी रिसालत सी होता डिपार्टमेंट ऑफ अपील दीवानी अर्ज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी दीवानी बंदगन डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स दीवानी काजा मामालिक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दीवानी इस्तिका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन दीवानी मुस्तकराज डिपार्टमेंट एरियर्स दीवानी खरियत डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी दीवानी कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड दीवानी इंसा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन इन मुगल पीरियड हु ट्रांसलेट द अथर्वेद इन पर्सियन लैंग्वेज रे के अथर्वेद को ट्रांसलेट करथला आंसर इज हाजी इब्राहिम सरहिंदी हाजी इब्राहिम सरहिंदी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन तेभागा रिवोल्ट ऑफ 1946 टू प्लस इन तेभागा रिवोल्ट इन 1946 कौन होता बंगाल रे होता ओके यदि तेभागा रिवोल्ट विषय टिके जानबे ना तेभागा रिवोल्ट बेंगल जो होता आफ्टर 1943 बेंगल फेमाइन द मूवमेंट एम्ड टू इम्प्रूविंग द शेयर ऑफ द पीजेंट अगेंस्ट द शेयर क्रॉपर्स ओके तेभागा रिवोल्ट होता 1946 1943 बेंगल फेमाइन पर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हु वाज द इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ द कॉमन्स टू स्पीकर ऑफ इंडियन इंटरेस्ट 1890 आंसर इज दादाभाई नौरोजी ओके दादाभाई नौरोजी होता यदि
आरसी दत्त मैडम विकास जी काम विषय जानवे देखो दादा भाई नारोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को दादा भाई नारोजी को देन मैडम विकास जी काम ऑन अगस्त 1907 ही बिकम द फास्ट एटा इंपोर्टेंट मन रखु इन अगस्त 1907 ही बिकम द फास्ट पर्सन होस्ट इंडियन फ्लाग ऑन द फॉरेन सॉइल इन जर्मनी जर्मनी स्टुटगार्ट जर्मनी से फास्ट इंडियन फ्लाग ये करते ओके देन आरसी दत्त हूँ ट्रांसलेटेड ऋग वेद इन टू बंगाली आरसी दत्त ट्रांसलेटेड ऋग वेद इन टू बंगाली बुक ना हूँ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक ना हूँ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट कॉस्ट अप्रोच इन इंडस्ट्री लिस्ट कॉस्ट अप्रोच इन इंडस्ट्रियल लोकेशन इज एसोसिएटेड विद वेबर 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 के थिले ना अल्फ्रेड वेबर कौन कर थिले अल्फ्रेड वेबर फॉर्मुलेटेड ए लिस्ट कॉस्ट अप्रोच लिस्ट कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन मीन्स से कहते लिस्ट कॉस्ट मान इंडस्ट्रियल गुड़ाक र मेटेरियल पाखापाखि ही रहा दरकार जी ये करेंगे इंडस्ट्री सुड भी नियर द र मेटेरियल न मेटेरियल जो प्रडक्शन होता पाखापाखि इंडस्ट्री रहा दरकार जहाँ फल कि मिनिमम ट्रांसपोर्ट एंड लेबर कॉस्ट हो पार ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हूज द प्राइमरी एक्टिविटी कौन जी माइनिंग वेरी सिंपल प्राइमरी एक्टिविटी रे माइनिंग जीवो देन नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर इज वाइल्ड फार्मेड हॉर्टिकल्चर इज वाइल्ड फार्मेड हॉर्टिकल्चर कोड अधिक होता है टेम्परेचर रीजन रे नेक्स्ट कौन कहला द लाइन जंपिंग लाइनिंग जॉइनिंग पॉइंट इक्वल क्लाउड कवर इज कॉल्ड इक्वल क्लाउड कवर लाइनिंग जॉइनिंग जी हम कह आइसो नेफ अन्न कौन कौन कह देखते ना जदि आइसो हाइट मीन्स एरिया विथ इक्वल रेनफॉल को आइसो हाइट कह आइसो टैंक मीन्स एरिया विथ इक्वल विंड स्पीड देन आइसो नेप मीन्स एरिया विथ इक्वल क्लाउड देन आइसो बार मीन्स एरिया विथ इक्वल प्रेशर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ द लोकेशन ऑफ सुगर इंडस्ट्री इज इन इंडिया मूविंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ सुगर इंडस्ट्री मूविंग नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ हाई यील्ड एंड हाई सुगर कंटेंट इन सुगर कैन कम ना साउथ इंडिया रो सुगर कंटेंट सुगर कंटेंट अधिक था नॉर्थ इंडिया रो साउथ इंडिया को ट्रांसफर हो गला सब जगह ये गुड़ा सुगर इंडस्ट्री देन लेवरेंसन वाज कॉइन्ड बाय लेवेन्सरम कॉइन्ड बाय रेटजल लेवेन्सरम कौन लेवेन्सरम हूँ इट वाज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल आइडिया एडलफ हिटलर एडलफ हिटलर मेजर पॉलिटिकल आइडिया थिला इन इंपोर्टेंट ऑफ नाजी आइडियोलॉजी भी इंपोर्टेंट कंपोनेंट थिला आउ सर्व द मोटिवेशन ऑफ द एक्सपीरियंस इन द पॉलिसी ऑफ नाजी जर्मनी ओके द लेवेन्सरम ओवरऑल नाजीजिम सहित एसोसिएटेड अच्छी कही पार ओके The spread of the next question कौन कहते spread of cultural trait from one region to other is called cultural trait from one region to other is called diffusion. Okay, one region to other region called diffusion. Next question कहते one belt one road policy. One belt one road policy obviously China ही रहेगा. China ही काटते लोगों के B R I bold belt and road initiative को तार policy बार करते ला आउ 2017 रे देखिए स्ट्रिंग ऑफ फ्यूल पॉलिसी गोटे चाइना द्वारा बाहर कराइला देन आंसर हम डी देन 37 क्वेश्चन कौन कहते हैं मेजर डिवीजन ऑफ द एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विथ आंसर इज फूड्सली ओके जी हम कह नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला 38 क्वेश्चन कौन हूज ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ग्लासियल ट्रफल हुई ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आ भितर कोडा इनकरेक्ट ना ग्लासियल ट्रफल का बीच पैरासाइटिक नेचर एटा ही इनकरेक्ट रहबो कम में ना एटा सब ठीक रहबो ओके ना ए सब लैंडफॉर्म रो क्वेश्चन गुडा को ना सिराग इज रिजल्ट फ्रॉम द ग्लासियर इरोजन गिव द यू शेप वैली इन डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ मेक द हैंगिंग वैली ओके द नेक्स्ट प्रोसेस दैट शेप्स अर्थ सरफेस इज कॉल्ड
प्रोसेस दैट सेप्स एयर सरफेस। एयर सरफेस को जो मैंने सेप कर जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस कहते जियोमॉर्फी प्रोसेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते यूसेफ वैली रिफर्ड बाय यूसेफ वैली ग्लासियर। यूसेफ वैली ग्लासियर देखते आपने एट क्वेश्चन क्वेश्चन था ग्लासियल ग्लासियल रीजन गिव्स यू यूसेफ वैली। ये से क्वेश्चन नहीं आस यूसेफ वैली फॉर्म्ड बाय ग्लासियर। ओके आंसर इज ग्लासियर। द मिस्ट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। मिस्ट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। ओके व्हिच रिवर इज नॉट ए परमानेंट पेनिनसुलर रिवर। देखो पेनिनसुलर रिवर कोडे ना आम देखो ये हूँ पेनिनसुलर इंडिया रिजन टा को आम कह पेनिनसुलर इंडिया कमिनार तीन पटे वाटर अच्छे। ओके पेनिनसुलर यही भितर जहाँ भी रिवर आसो एमानक आम कह पेनिनसुलर रिवर। देखते साबरमती ये अच्छी नर्मदा अच्छी ताप्ती भी अच्छी। ओके किंतु गोटे रिवर ना देख साबरमती देखिले नर्मदा देखिले ताप्ती देखिले नर्मदा देखिले किंतु घाघरा रिवर ये ना घाघरा रिवर हूँ हिमालयन रिवर। ओके देखते ये नर्मदा देखिले आम देख दिखाँ सबजा रिवर साबरमती देखिए ये अच्छे साबरमती रिवर नर्मदा रिवर देख पारे ताप्ती रिवर किंतु घाघरा रिवर ना से घाघरा इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड दिनेश गोस्वामी कमिटी। दिनेश गोस्वामी कमिटी कौन रिकमेंडेड है नॉट रिकमेंडेड आंसर इज एमेंडेड अमेंडमेंट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड द कॉन्क्रीट लिस्ट। कॉन्क्रीट लिस्ट कौटा इंक्लूड ना कैपिटेशन ऑफ टैक्स आ बाकी तीन जगह कॉन्क्रीट लिस्ट इंक्लूड अच्छी गोटे ही कॉन्क्रीट लिस्ट इंक्लूड ना व्हिच इज नॉट ए डिक्शनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को डिक्शनरी पावर डिस्क्रिमिनेटरी पावर मीन्स मन इच्छा केमी पावर जाए इच्छा जमी कर समय डिजल पार्लियामेंट सेसन डिस्क्रिमिनेटरी पावर नुहंती निज इच्छा से समय करज इच्छा से डिजल्व कर पार्लियामेंट सेसन। ओके आर्टिकल रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज 343 रे आर्टिकल 343 अनुसार हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर हेतला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ व्हिच ईयर साइमल्टेनियसली इलेक्शन बोथ लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेशन वर नॉट हेल्ड। हम देखुवा जे जहाँ भी आम लोकसभा इलेक्शन हो स्टेट लेजिस्लेट इलेक्शन हो स्टेट मिसिकी इलेक्शन आम जी ओडिशा आम ओडिशा मिसिकी लोकसभा इलेक्शन एंड विधानसभा इलेक्शन होता है एम एल ए इलेक्शन एमपी इलेक्शन जेटा मिसिकी था एमती को डेट मैंने को इयर थिला जो समय कि लोकसभा इलेक्शन एम एल ए इलेक्शन एमपी इलेक्शन मिसिकी ना जो कह 1970 नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट आसुनी तेनाली कहे सिक्किम। ओके देन द जीएसटी बिल व्हिच केम इनटू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 1 जुलाई 2017 इज। जीएसटी बिल किंग आसला ना बिल नंबर 122 एंड एक्ट नंबर 101 रे जीएसटी बिल आसला। ओके जे हम कहबा अमेंडमेंट बिल जति की होची सितार जदि हम टिके रिवीजन कर देबा थाले देखु 104 देख दिखा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना एक्सटेंड रिजर्वेशन ऑफ द एससी एसटी यदि हम कह 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे आसला यदि हम कह 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पे आसला यदि हम कह 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी आसला देम कह 100 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लैंड बाउंड्री इंडियन बांग्लादेश में आसला आज बहुत अच्छी कितनी गोटे लेटेस्ट गुडा 10 बर्तमान पर्यंत यही चार्टा ही 104 टा ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसी सब लेटेस्ट 2020 देखा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 आम जानते जी राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू लिव आम बचार अधिकार को आर्टिकल 21 कहते
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन देखो तो नो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी कोटा नथिला तार फ्यूचर ने नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी रो आंसर अब इंक्रीज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टू व्हिच स्टेट इन इंडिया इंडियन यूनियन आर्टिकल 35 रिलेट्स आर्टिकल 35 ए रिलेट्स 35 ए रिलेट्स का से तो हमने जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड वर्तमान आर्टिकल 370 एंड 35 ए ए तीन डे देखो कितना क्लॉज हटी जाइए जब 370 और 35 ए आर्टिकल हटी जाइए कॉल जाए तो वर्तमान आप कुछ बेसी इम्पोर्टेंट रहे बने आर्टिकल रहा देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिपील फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन 26 अमेंडमेंट एक्ट 26 अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कोडा रिपील है जी ना आर्टिकल 291 एंड 362 आर्टिकल 291 360 अनुसार देखो तो एटा रिपील है 1971 रे हमर थिले इंदिरा गांधी थिले प्रधानमंत्री एटा कोन रिपील कथिले ना एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी पर्स एवोल्यूशन ऑफ प्रिवी पर्स रो मीनिंग हला जो समय रे हमरा इंडिया रा सब जाक प्रिंसली स्टेट सब जा मिसि देले से समय के सब प्रिंसली स्टेट रा किंग मानु कहले जे तमे हम सहित मिसि जाओ हम तमको गोटे टाइप रा सैलरी हिसाब रे गोटे टाइप रा पेंशन हिसाब रे हम तम मानको पैसा देतु से माने राजा मानको एते पैसा दिया माने एते सैलरी दिया होतला जे बहुत से माने बहुत माने आयस आराम रे रहतले सो से कहते बिना काम इंदिरा गांधी चाहिए बिना ये कम आम से मानक पैसा देवा से प्रिवी पर्स मानते प्रिवी पर्स टा को एवलिश कर 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 ओके तो मिशन सत्यनिष्ठ नेक्स्ट क्वेश्चन हो मिशन सत्यनिष्ठ इज ए प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडियन आर्मी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को होची प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बाय सपोर्टिंग देम इन ए मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड रेंडर्ड बाय देम कम्स अंडर व्हिच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट जेडा कहबा आसीबो का अंडर आसीबो एटा ना आसीबो एटा पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस मेड टू इन इंडिया पॉलिसी ओके आसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे दिस इज द मॉडल डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी इज द पार्ट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट सेवोत्तम आंसर इज सेवोत्तम सेवा प्लस उत्तम इक्वल टू सेवोत्तम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे ना द नंबर ऑफ स्टेट कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द पंचायत स्टेट शेड्यूल एरिया देखो ये ऑप्शन गलत दे छि ऑप्शन आंसर अब 10 ओके आंसर अब 10 देखो कब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय आईएमएफ आईएमएफ रो हेड क्वार्टर कोड अछि ना वाशिंगटन डीसी यूएसए आईएमएफ रो हेड के अछि क्रिस्टियानो जर्जीवा ओके नेक्स्ट होच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज टुवर्ड्स द जीएनपी टुवर्ड्स द जीएनपी लार्जेस्ट परसेंटेज के दोची आंसर इज सर्विस सेक्टर से 53% दोची किंतु यदि हम कहबा जॉब के अधिक दोची ना एग्रीकल्चर जॉब दोची एग्रीकल्चर ओके हम कहला ओटीसीईआई कौन गोटे ओटीसीईआई होची गोटे इंडियन शेयर मार्केट ओटीसीआई रा फुल फॉर्म जदि करबा हमें ओटीसीआई रा फुल फॉर्म होची ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया तार हेडक्वार्टर हम कहि परे मुंबई रा होची मुंबई महाराष्ट्र काउंटर रा होची ना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अंडर रा होची आ काम कौन इंडियास फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ स्मॉल कंपनी इज द ऑलवेज द फर्स्ट स्क्रीन बेस्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ओके देम कहबा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया होची बट इंडियन शेयर मार्केट नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छि द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन
CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एस्टिमेट हो छ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लोअर द इंटरेस्ट रेट आरबीआई शुड डू इंटरेस्ट रेट लोअर करा पे आरबीआई कौन करे तो किंतु जदि आमे आरबीआई आरबीआई जदि सिक्योरिटी बाय करिवो सिक्योरिटी बाय कला मींस मार्केट रो सिक्योरिटी बाय कला मार्केट रो सिक्योरिटी बाय कला मींस से किछि अमाउंट देला माने किछि मनी देला मार्केट को ताले मार्केट रे मनी रे परिमाण बढ़िला मार्केट रे मनी फ्लोटा अधिक होला जदि मार्केट रे मनी फ्लोटा अधिक होबो ताले इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली कमिबो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली कमिबो ओके तार आंसर होबो सिक्योरिटी बाय कला ग्रेसमस लॉ कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन क्रिसमस लॉ कम्स इनटू व्हेन द मनी गुड मनी इज होल्डेड व्हेन गुड मनी इज होल्डेड नेक्स्ट क्वेश्चन कोच मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी व्हेयर मिक्स्ड इकोनॉमी मीन एन इकोनॉमी व्हेयर देयर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलोंग विद प्राइवेट सेक्टर जदि गोटे इकोनॉमी रे पब्लिक सेक्टर अछि एंड प्राइवेट सेक्टर अछि दीटा सेक्टर जे मिसिक रहछन्दि ताको हम कहबा मिक्स्ड इकोनॉमी जारे कि हमरो इंडिया होची गोटे मिक्स इकोनॉमी रो बेस्ट एग्जांपल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहबा अब्सोल्युट पॉवर्टी मींस अब्सोल्युट पॉवर्टी रो मीनिंग कोन ना अब्सोल्युट पॉवर्टी रो मीनिंग होची पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक कैलोरी बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट होची अब्सोल्युट पॉवर्टी Then who wrote the book Planned Economy in India? Important, important, very important. Who wrote the book Planned Economy in India? Answer about M. Visvesvaraya. M. Visvesvaraya जोने engineer थे। तंको जन्मदिनों को Engineers Day भी celebrate करा हुआ ची। September 15 तंकर जन्मदिन आ ची। Okay? September 15 Engineers Day. M. Visvesvaraya को जन्मदिन। ओके नेक्स्ट होची नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विद द पर्पज ऑफ नेशनलाइजेशन कम करथिले बैंक को ना इंप्रूविंग द क्रेडिट फैसिलिटी नेशनलाइजेशन हेतला देन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रे हेड क्वार्टर होची जेनेवा ओके जेनेवा देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची होचो अबाउट द हिंदू ग्रोथ रेट रो मीनिंग होची एक्सपोजेस लो ग्रोथ अकरेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1950 एंड 80 ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट आर द गिल्ट एज सिक्योरिटी गिल्ट एज सिक्योरिटी मींस सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी इश्यू करुची सेटा को गिल्ट एज सिक्योरिटी हम कहबा नेक्स्ट होची वन क्रिटिसिजम रोस्टर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज दैट जदि हम कहबा देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टेक ऑफ व्हाई ग्रोथ अकर्स टेक ऑफ रोस्टर थ्योरी जदि हम कहबा रोस्टर थ्योरी होची द इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1960 व्हिच प्रेजेंट द फाइव स्टेप्स कोन कोन ना ट्रेडिशनल सोसाइटी प्री कंडीशंस टेक ऑफ देन ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजप्शन ओके एरा होची रेस्ट थ्योरी देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैंक फास्ट अमंग द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया 2018 रे फास्ट क्लीनेस्ट सिटी जे हम कहबा इंदौर देखो तो इंदौर लगातार क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया रो अवार्ड पाई पाई जाउची सिति में से लगातार 2018 से प्रतिवर्ष रैंक 1 रे ही अछि ओके नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज एनलिस्टेड द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रे इंडिया रा को नेशनल पार्क रे माने लिस्ट हे अछि जदि कहबा केरला नेशनल पार्क केरला नेशनल पार्क राजस्थान राजस्थान रो केरला नेशनल पार्क 1982 रे लिस्ट आई थी ओके तो मैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कौन जाने आप बोले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हो ची ये जो रजिस्टर वेटलैंड साइट जो वेटलैंड साइट गुड़ा कम इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है जीवो लिस्ट ऑफ रामसार साइट वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस जो ठीक ही इंटरनेशनल इंपोर्टेंट वाला नेशनल रामसार साइट गुड़ा का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंडर रखा है ओके
କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ନା କେବୁଲ ନାମଚ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମଣିପୁରର ଆଣ୍ଡ କିଓଲଦା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରାଜସ୍ଥାନର ମୋଣ୍ଟେଜ ରେକର୍ଡ ଅଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଦେନ୍ ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଏବୁଟେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ମୋଷ୍ଟ ଏବୁଟେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ? ମୋଷ୍ଟ ଏବୁଟେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ୱାଟର ଭେପର। ଓକେ, ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଫ୍ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପଲ୍ୟୁସନ। ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପଲ୍ୟୁସନର ମୋଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେବ ଲିଚେନ୍ସ। ଓକେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇକେନ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲିଚେନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଥାଏ, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମେଟାବଲିଜମ୍ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ପଲ୍ୟୁଟନ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଟର ବଡିଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ବାୟୋ ରେମେଡିଏସନ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାଷ୍ଟ ବାୟୋଫୁଲ୍ ପାୱାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେରାଡୁନ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଫାଷ୍ଟ ବାୟୋଫିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ବାୟୋଫିଲ୍ ମିନ୍ସ ବାୟୋଫିଲ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ କୋ ଡେରାଡୁନ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋ ଏୟାର ମାନେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ୱାଟର ଫଲ୍ସ। ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ୱାଟର ଫଲ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେଉଁଟା ହେବ? ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟର କେଉଁଟା ମେଜରିଂ ନାହିଁ? ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ହେକ୍ଟର, ଗ୍ଲୋବାଲ ହେକ୍ଟର ମେଜରିଂ ନାହିଁ ନାହିଁ ଓଇ ହୁଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ। ଗ୍ଲୋବାଲ ହେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କହୁଛି, ଅନୁରାଧା ସହନେ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ହେର୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ହୁଚ୍ ଫୁଲ୍ସ। ଅନୁରାଧା ସହନେ ଫିମେଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁରାଧା ସହନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଅନୁରାଧା ସହନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ଫଙ୍କସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଏଥିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ପେଟାର ସେ ଏକ୍ସ ଫଙ୍କସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପେଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରାଧା ସହନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ ମ୍ୟାଟର ପାର୍ଟିକୁଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଟେନ୍ ମାଇକ୍ରୋନ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫାୟାର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାଇ ଦ ରିମୁଭିଂ ଫୁଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏୟାର ଦୁଇଟା ଯାକ। ଫୁଏଲ୍ ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା, ଏୟାରକୁ ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଫାୟାର ଅଲରେଡି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ। ଦ ଫୁଡ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ରଫେଜ୍ ମେ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ। ଫୁଡ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ରଫେଜ୍, ରଫେଜ୍ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ରେ ରଫେଜ୍ ଥିବ ସେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦେବନି କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ରଫେଜ୍ ମିନ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି। ଓକେ, ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କେଲିଟାଲ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କେଲିଟାଲ 206 ବୋନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିର 300 ବୋନ୍ସ ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇ ଏଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ 206 ବୋନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଏନ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟେରିସ୍ ଭେନ୍ସ ହାର୍ଟ ଚାମ୍ବର ତିନିଟା ଯାକ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବେ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଡେଲି କନଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଡେଲି କନଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଆରାଗନ୍ ଅଏଲ। ଆରାଗନ୍ ଅଏଲ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭିରିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହେବ, କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହେବ, ନା ଓବେସିଟି ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହେବ, ତିନିଟା ଯାକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେବ। ସେରିକଲଚର ଇଜ୍ ଏ ରିୟରିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍, ସେରିକଲଚର କ'ଣ ନା ସିଲ୍କ ୱାର୍ମ। ତେଣୁ ହନି ବି ପାଇଁ ଏପିକଲଚର କହିପାରିବା, ଫିସ୍ ପାଇଁ ପିସିକଲଚର। ଓକେ, ଦ ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଏନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଟକ୍ସିକାଣ୍ଟ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟକ୍ସିକାଣ୍ଟ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ବେବି ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଓକେ, ରକେଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲସ୍। ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହେଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଲ୍ବ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍
विथ स्पीड ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब धीरे धीरे कमी जाऊँच कौन पाई रीजन हूँ इवापोरेसन ऑफ मेटल फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ बल्ब इवापोरेसन ऑफ मेटल फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ बल्ब ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ जेनेटिक डिजॉर्डर आर नॉन कम्युनेबल डिजीज नॉन कम्युनेबल मीन जदि जेनेटिक डिजर कौन डिजीज कौन अच्छी जेनेटिक वाला तेल से जगह कम्युनेबल हो पारे गोटे गोटे मानते गोटे बड़ी आउ गोटे बड़ी के जापरि से जेनेटिक अनुसार जी नेक्स्ट जो कह व्हाट डज कंप्यूटर एड एंड कंपेयर डाटा कंप्यूटर कौटी एड आउ कंपेयर डाटा कर सीपीयू चिप्रे कर ओके जे नेक्स्ट क्वेश्चन कहला फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर होची इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन फूड्स एंटीऑक्सीडेंट कोड प्रेजेंट होची ना रिटार्ड एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ठीक है हबो हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ठीक प्रिवेंट स्पॉइलेज इन दैट ऑल ऑफ द अबव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कोड नहीं ना पेस्टिसाइड कंबाइन ना पेपर वेस्ट बायोडिग्रेडेबल हबो मेन्यूर हबो बायोडिग्रेडेबल स्लॉटर हाउस वेस्ट हबो बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हेबरन बिकॉज़ पेस्टिसाइड सोइल रे मिसिबोनी किंतु पेपर वेस्ट मेन्यूर स्लॉटर रे सब जाको सोइल रे मिलजीव ओके नेक्स्ट हूँ क्लोरोफ्लोर कार्बन आर वाइडली यूज इन क्लोरोफ्लोर कार्बन आर वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर यूज होता है माइक्रोवेवन यूज होता है एयर कंडीशनर एसी रे भी यूज होता है तले ऑल ऑफ द अबव वंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन है सीमेंट इज वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट्स कंटेंट सीमेंट रे कौन कौन था कैल्शियम सिलिकेट था कैल्शियम एलुमिनेट था कैल्शियम सल्फर था ठीक हाँ ओके हुच इज नॉट कैरेक्टर ऑफ द एंजाइम एंजाइम रो कोटा कैरेक्टर नहीं एंजाइम रो कोटा कैरेक्टर नहीं ओके यदि कह एंजाइम रो कैरेक्टर एटा हबो एंजाइम इज बायोकैटलिस्ट ठीक एंजाइम एक्टिविटी इज रेगुलेटेड ठीक दे आर प्रोटीन इन नेचर ठीक एंजाइम को दे आर बाइंड टू रिसेप्टर एंड एसेप्ट एक्टिविटी एटा हबो आंसर ओके देन फ्यूज इज ए safety device that regulates car flow current ठीक it is made up of tin and lead alloy ठीक has low melting point correct tin the answer of all of the above okay thanks for watching like share and comment